वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन। सो आज का न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का न्यू ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आज कुछ स्पेशल होने वाला है। तो वो स्पेशल सरप्राइज़ है, मैं आपको बाद में बताऊँगी। अब सुबह के बज चुके हैं 8:15। तनिष्का अपने स्कूल जा चुकी है। मैं तनिष्का को छोड़ आई हूँ, उसका लंच वगैरह प्रिपेयर करके दे दिया। आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं, सूरज भगवान भी अभी प्रॉपर नहीं निकले हैं, पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। आपको रोशनी नज़र आ रही होगी। और रोज़ की तरह आज का मौसम भी बहुत ज़्यादा सुहाना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो उसकी तरह ये सूरज भगवान अभी देखिए पेड़ों के पीछे छुपे हुए हैं, अभी प्रॉपर धूप नहीं निकली है। और चिड़िया अपनी चहकहा कर रही हैं। जो सुबह सुबह जो चिड़ियों की आवाज़ होती है, तोतों की आवाज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है कानों को। तो यहाँ मैंने कपड़े कल के थोड़े धुले हुए थे, मैंने उठाकर रख दिए थे, फिर अब मैंने दोबारा सुखा दिए हैं। आज सूख ही जाएंगे आई होप। पौधों ने अपनी सुबह की डाइट ले ली है, ये अपनी डाइट लेके दोबारा सो गए हैं। अभी सो रही है, कल तो वो उठ गई थी जब तनिष्का स्कूल गई थी, लेकिन आज वो सो रही है क्योंकि रात को मेरे साथ ही लेट सोई है वो, इसलिए अपनी नींद ले रही है। उसको मैंने दूध पिला दिया है, फिर तो दोबारा सो गई है। और आज मैं आपको कुछ एक दो एक्सरसाइज बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, जो आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस होता है ना दिन भर का, वो निकल जाएगा। आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा फुर्तीली रहेगी पूरा दिन। जो मैं भी यूज़ करती हूँ, मैं करती हूँ, मतलब अभी बीच में तो लॉकडाउन था तो हम लोग एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन अब मैंने फिर 2-3 दिन से स्टार्ट कर दिया है, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। तो मैं बताती हूँ करके, आप भी देखिए। इससे जो बॉडी का जो स्ट्रेस है, जो मतलब ये होता है थोड़े टाइम बाद ना, मतलब बॉडी बहुत थकी थकी थोड़े से काम के बाद बहुत ज़्यादा थक जाती है, तो अजीब सा लगता है, काम करने में आलस आता है, तो वो नहीं रहेगा। और सुबह मैं ये एक दो एक्सरसाइज करती हूँ, इससे जो हमारे अंदर जो लंग्स होते हैं और जो सांस लेने में जैसे कभी कोई दिक्कत होती है वो भी दूर हो जाती है, और जो ये नेक में जो थोड़ी बहुत सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है उसको भी रिलीफ मिलता है। उसके लिए जो फर्स्ट एक्सरसाइज मैं करती हूँ वो अपने अंदर बॉडी को मतलब बिल्कुल ताज़ा हवा देने के लिए और अपने लंग्स को फिट एंड फाइन रखने के लिए करती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी मिश्का उठ चुकी है, अब मेरी एक्सरसाइज आज यहीं तक। आज मैंने आपको सारी बैठने वाली एक्सरसाइज बताई है जो मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, या डेली भी करती हूँ कभी कभी जब मुझे लगता है मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा
थकान है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो आगे के दिनों में मैं आपको खड़े होकर जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ जो करती हूँ वो आपको बताऊँगी। तो अभी मैं मिश्का के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी क्योंकि उठ चुकी है और रात उठते ही ये पूछ रही है मम्मा दीदी का है, दीदी तो कहे हमारी स्कूल गई है। फ्रेंड्स मेरी हो गई है यहाँ पूजा, अब मैं जा रही हूँ बाकी का अपना काम करने के लिए, चाय नाश्ता करने के लिए। तो चलिए अभी सो फ्रेंड्स मैं नहा धोकर हो चुकी हूँ रेडी और मैंने कर ली है पूजा, अब मैं जा रही हूँ अपना नाश्ता करने और मिश्का भी मेरे साथ नाश्ता करेगी। नाश्ते में मेरी है चाय और मैंने आज बनाए हैं स्नैक्स, मैं ठीक से आपको दिखाती हूँ। पहले नाश्ते में है चाय और ये स्नैक्स जो मैं मार्केट से लेके आई थी। ये प्रिंट स्नैक्स हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छे बहुत टेस्टी लगते हैं। क्रैक्स वाले स्नैक्स हैं ये जो चाय के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। यस, तो जैसे मकीन होता है, मकीन का टेस्ट होता है, ये मकीन से मच बेटर है आई थिंक और बहुत टेस्टी लगते हैं। मिश्का को बहुत पसंद है ये, मिश्का इन्हें हमेशा खाती है। मिश्का आपने पूजा कर ली? आपकी पूजा हो गई? अच्छा ठीक है। मिश्का दोबारा पूजा कर रही है। ओके वेरी नाइस, गुड गुड गुड। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बिल्कुल मत भूलना सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड मिश्का अभी आपको एक डायलॉग सुनाने वाली है, बहुत अच्छा वो वाला सुनाओ। पुष्पा का डायलॉग पहले सुना दो अपने फ्रेंड्स को। मैं झुकेगा नहीं मम्मी। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फ्रेंड्स चलिए नाश्ता करते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद देखते हैं लंच में क्या बनाना है। मैं लंच में सोच रही हूँ आज वेज पुलाव बनाने के लिए, क्योंकि कल की थोड़ी सी सब्जी भी रखी हुई है और तनिष्का 2-3 दिन से हमने पुलाव भी नहीं खाया है, चावल भी नहीं खाया है। तो सोच रही हूँ कि आज लंच में पुलाव बनाती हूँ, मटर वाला, आलू मटर का। फ्रेंड्स आपने एक बात नोटिस की, आज मिश्का बिल्कुल मिस नहीं कर रही है अपनी दीदी को। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि कल मिश्का को हमने समझाया और उसे समझ भी आ गया है कि दीदी को अब रोज स्कूल जाना पड़ेगा, है ना मिशु? तो मिशु को पता है कि हम दीदी को लेने जाएंगे, क्योंकि आज जब दीदी स्कूल गई थी तो मिश्का सो रही थी और मिश्का ने पूछा दीदी कहाँ है, तो मैंने कहा स्कूल गई है। तो फिर मिश्का ने बोला अच्छा मम्मा हम दीदी को लेने चलेंगे, है ना मिशु? अच्छा मम्मा हम दीदी को दोबारा लेने चलेंगे। हाँ कितने बजे जाएंगे हम लेने दीदी को, आपको पता है कितने बजे जाएंगे? 4 बजे। 1 बजे हाँ। और ये मिश्का को स्नैक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्रेंड्स मैं भी अपना फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ, रेडी होती हूँ, फिर एक बार रील्स तैयार करते हैं और लंच भी तैयार करते हैं, उसके बाद देखते हैं। फ्रेंड्स ये वेज पुलाव के लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लिए हैं। ये चावल हैं भीगे हुए जो मैंने 1-1.5 घंटे पहले भिगो दिए थे। ये मटर है
और यहाँ तड़के के लिए मैंने दो बड़ी इलायची, इस ये एक खुशबू के लिए होता है, और एक दालचीनी, और यहाँ मैंने कटी हुई प्याज और एक हरी मिर्च काटी है, बिकॉज़ हरी मिर्च अगर मुंह में आती है तो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा तीखा है इसीलिए, और ये है एक तेज़पत्ता, ये तेज़पत्ता तैयार कर लिया है। सो चलिए बनाना शुरू कर। हो गया है हमारा तेल गर्म, अब इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा। और ये थोड़ी सी राई, इसी के साथ डाल दूंगी मैं इसमें ये तोड़कर तेज पत्ता, ये मसाले, खड़े मसाले हमारे, दो इलायची, एक खुशबू के लिए, ये दालचीनी को बिकॉज बड़ी है इसलिए हम इसको इसके टुकड़े कर लेंगे दो, और अब इन्हें पकने देंगे थोड़ा। ये खड़े मसाले देखिए सौटे हो चुके हैं, पक चुके हैं, और अब इसमें डालूंगी मैं ये कटी हुई प्याज और हरी मिर्च, अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स पक चुकी है, हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे बिकॉज प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए पुलाव के लिए, फिर वो जल जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती है, और प्याज जो थोड़ी कच्ची रहती है वो पुलाव में बहुत अच्छी लगती है। अब ये कटे हुए आलू और मटर है जो मैंने अच्छे से धो लिए हैं, अब ये मिक्स कर देंगे। यहाँ अब हमने मिक्स कर दिए हैं चावल, क्योंकि सब्जियाँ पक चुकी थी, हम थोड़ा सब्जियों को अच्छे से पका लेते हैं फ्रेंड, ताकि सब्जियाँ जब तक चावल स्टीम हो तो अच्छे से पक जाए। उसके बाद अब ये चावल भी हमने 5 सेकंड के लिए थोड़ा पका लिए हैं बिल्कुल हल्के हाथ से चलाकर, और अब मैं इसमें डाल अब हम ऐड करेंगे पानी। एक गिलास चावल में मैं 1.5 गिलास ही पानी डालती हूँ, बिकॉज जो सब्जियों का थोड़ा पानी होता है, अगर ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो फिर चावल खिले खिले नहीं बनते, पुलाव खिला खिला नहीं बनता, और पुलाव खिला खिला ही अच्छा लगता है। अब इसे चला लेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे मसाले जो भी आप खाते हो, नमक, मिर्च, धनिया, जो हल्दी खाते हैं हल्दी, मैं बना रही हूँ आज वाइट पुलाव तो मैं हल्दी नहीं डालूंगी। और फिर इसमें ऐड कर दूंगी ये कटे हुए टमाटर, और फिर हम इसमें लगा देंगे एक सीटी, और जब सेकंड सीटी लगने वाली होगी तो मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और फिर से स्टीम में पकने देती हूँ थोड़ी देर, तो ऐसे रेडी हो जाता है हमारा वेज पुलाव। फोल्ड कर लिए हैं सारे कपड़े, तय करके रख दिए हैं जो कल के धुले हुए थे, अब बस इन्हें अलमारी में जमाना रह गया है, तो मैं आऊँगी तनिष्का को स्कूल से लेके, उसके बाद मैं फटाफट इन्हें जमा भी दूँगी। रेडी हो गया है हमारा लंच, जो मैंने लंच में बनाए थे पुलाव, और देखिए कितना सुंदर कलर आया है, और तनिष्का मिश्का भी अब रेडी है, तनिष्का आ चुकी है स्कूल से, आ जाओ लंच कर लो। विशु अभी आप सोए थे, किसका सपना देखा आपने? दीदी का, मम्मा का भी और डैडी का भी। डैडी का भी क्या सपना देखा, सपने में क्या देखा बताओ? क्या देखा सपने में? चिंगम है? है तो फिर मिशु नहीं खाएगी, मिशु चिंगम नहीं खानी बेबी, है ना, चिंगम नहीं खानी है। सो फ्रेंड्स चलिए उठते हैं, शाम के बज गए हैं 4:30, और तनिष्का मिश्का जाएंगे अब पार्क में खेलने, और मैं बनाऊंगी अपनी चाय, चाय पीते हैं। सो फ्रेंड्स तनिष्का मिश्का यहाँ सोकर उठ गई हैं, और मैं भी वीडियो की एडिटिंग में लगी हुई थी, तो मैं तो सो नहीं पाई हूँ, थोड़ी देर ही सो पाई हूँ, और ये दोनों अपनी नींद पूरी कर चुकी हैं, और अब बचाने वाली हैं दोनों धमाल। और तनिष्का तो कह रही है मेरी कल छुट्टी है, मैं जितनी लेट चाहे सोऊंगी, जितनी लेट चाहे उठूंगी, और क्या करेगी तनिष्का, क्या करेगी तनिष्का, जल्दी बोलो फ्रेंड्स को बताओ। मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। तो होमवर्क कौन करेगा, रेस्ट
होमवर्क करके ही तो फिर एंजॉय करना होता है बेबी। क्या खाना बनाया मिशकू आपने आज? अनियन बना रही हूँ। ये अनियन नहीं है बेटा, ये गार्लिक है। आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। एंड जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए धमाके के।